Assalamu alaikum class 5. I am going to start lesson number 5. Our topic is geometry. Kindly open page number 131 of your book. On page number 131, you have definition of triangles. Triangles are all about threes. Each triangle has three sides, three vertices and three angles. हर ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं. ट्राइंगल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टाइप ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. ग्रुपिंग बाय साइड. थ्री इक्वल साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसके तीन साइड्स इक्वल हों इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. वन राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, जिस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल्ड होता है. टू इक्वल साइड्स आइसोसेलिस ट्राइंगल. दो इक्वल साइड्स होंगे. अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर की है. दो साइड्स इक्वल हो गई और तीसरी साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब है कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलिस ट्राइंगल है. All three angles acute angle triangle. 90 degree से less than होंगे. तीनों angles जो हैं 90 degree से less than होंगे, acute angle triangle होगा. All sides of different length. तीनों sides की जो length होगी वो different होगी. Scalene triangle होगा. 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. तीनों sides अगर अलग अलग length की हैं तो scalene triangle होगा. वन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. जो एक एंगल है ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से. 90 डिग्री से अगर ग्रेटर देन है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल. ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो कौन सा ट्राइंगल होगा? यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. आइसोसेलिस ट्राइंगल. टू साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. दो साइड्स की लेंथ जो है सेम होगी. टू एंगल्स आर ऑफ द सेम साइज. दो एंगल्स सेम साइज के होंगे. स्केलीन. द लेंथ ऑफ ईच साइड इज डिफरेंट. तीनों साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट होगी. द साइज ऑफ ईच एंगल इज ऑल्सो डिफरेंट. एंगल भी तीनों अलग अलग होंगे. क्लास 5, आपने ये तीनों डेफिनेशंस अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है. ये तीनों डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है. ऐसा टेबल नहीं बनाना. टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं है. आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेडिंग डाल के इसकी ये डेफिनेशन लिख के ये फिगर बनानी है. आइसोसेलिस ट्राइंगल की हेडिंग देके ये वाली डेफिनेशन लिख के ये फिगर बनानी है. स्केलेन की हेडिंग देके आपने ये डेफिनेशन लिख के फिगर बनानी है. नाउ ओपन पेज नंबर 133. यू हैव एक्सरसाइज नंबर 7C. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू सॉल्व इट इन योर टेक्स्ट बुक. ए. इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 130, द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल विल बी 50 डिग्री. B. A equilateral triangle has all sides equal. C. If all the three angles of a triangle are acute, the triangle is called acute angle triangle. D. The longest side of a right angle triangle is called a hypotenuse. E. All the three sides of a scalene triangle are unequal. True false. Question number 2, true false. A. The side opposite the smaller angle of a triangle is the smallest. True. B. Three sides of an isosceles triangle are equal. False. C. The longest side of a right angle triangle is called the hypotenuse. True. D. A right angle triangle cannot have two sides equal. False. E. A right angle triangle can not have obtuse angle. True. Question number 3. Select the correct answer from the given option.
A triangle can be constructed if all three sides are given. B. If two angles of a triangles are 50 degree and 100 degree, then the third angle will be 30 degree. C. A triangle will with all sides equal is an equilateral triangle. D. The sum of angles of a triangle is 180 degree. The largest angle of a right angle triangle is 90 degree. Now, class 5, open page number 134. You have question number 4. Measure the sides of these triangles and write their names, equilateral, isosceles or scalene. अब आपको ये ट्राइंगल्स गिवन है, आपने इसको अपने स्केल से मेजर करके इसके साइड्स की लेंथ लिखनी है, इसके साइड्स लिखने हैं और आपको बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसोसेलिस है या स्केलिन है। सबसे पहले ए, ए का अपने साइड को मेजर करना है अपने स्केल से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाला साइड आपने ऐसा रखना है और इसको मेजर करना है। फर्स्ट वाला देखें, आपके पास 2.3, फर्स्ट वाला आपके पास 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। सेकंड साइड को मेजर करें, 2.3 सेंटीमीटर आ रही है, 2.3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड को मेजर करें, ये भी आपके पास 2.3 सेंटीमीटर की आ रही है। इसका मतलब है ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसी तरह बी वाले को मेजर करें, सेंटीमीटर। सेकेंड साइड को मेजर करें, ये भी आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड, सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल पार्ट सी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसोसेलिस ट्राइंगल है। क्लास 5, इसी तरह आपने डी, ई और एफ को मेजर करके इसकी लेंथ लिखनी है। डी, ई, एफ आपका होमवर्क है या आपने खुद से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फिगर्स केयरफुली एंड राइट द लेटर्स इन द करेक्ट कॉलम। ये क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। आपने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बताना है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बताना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बताना है। आपके पास सी और डी, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि आप देखें इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए सी और डी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी, ए बी, ई आपके पास एक्यूट एंगल है क्योंकि तीनों के जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो जो 90 डिग्री से छोटे हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एफ एंड जी, एफ एंड जी आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है आपके पास वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो एफ एंड जी आपके पास कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मेजर द एंगल्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आपने क्या करना है, अब इसमें ये एंगल्स को मेजर करना है और मेजर करके अपनी बुक में नोट डाउन करना है। इसके लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत है, आप अपने प्रोटेक्टर से एंगल एक्स, जेड, वाई को मेजर करके यहां अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे।
क्लास 5, आपने अपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट इस पॉइंट एक्स पे रखना है। अपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट, ये आपके प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आप यहाँ एक्स पे रखेंगे और मेजर करेंगे। देखें ये आपके पास x 50 डिग्री का आ रहा है, आपके पास एंगल x जो है 50 डिग्री है। नाउ अब आप एंगल z को मेजर करें, इसी तरह आपने z को मेजर किया, z आपके पास 40 डिग्री, z आपके पास कितना आ गया 40 डिग्री का। अब आपके पास दो एंगल आ गए, एंगल x और एंगल z, 50 40, आपके पास आ गया 90 डिग्री। थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है आपने y, आप क्या करें 180 डिग्री में से, सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, 180 में से 90 को माइनस कर दें, आपके पास 90 डिग्री आंसर आ गया, यानी कि एंगल y आपके पास कितना है 90 डिग्री है। इसी तरह पार्ट b मेजर करना है आपने, पहले एंगल x को मेजर कर लें और एंगल z को मेजर कर लें। अपनी डी का मिड पॉइंट आपने एंगल एक्स पे रखना है, अपनी डी का ये मिड पॉइंट आपने यहाँ एक्स पे रखना है। इस तरह से रख के आपने एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स आपके पास आ गया है 130 डिग्री, यहां से आपने काउंट करना शुरू किया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, एंगल x आपके पास 130 डिग्री का आ गया। अब एंगल z को मेजर कर लें, एंगल z आपके पास 20 डिग्री का आ रहा है, एंगल z आपके पास 20 डिग्री का आ रहा है, 130 में आप ऐड कर दें 20, आपके पास 150 हो गया, 180 में से जब आप 150 को माइनस करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री आंसर आएगा, तो एंगल y आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री का। इसी तरह क्लास 5 आपने अपने प्रोटेक्टर से c d e f मेजर करके अपनी बुक में नोट डाउन करना है, c d e f आपका होमवर्क है। नाउ ओपन पेज नंबर 135, यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, मेजर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल विद अ रूलर, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स इन द टेबल, देन विद अ प्रोटेक्टर मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आपने क्या करना है, अपने स्केल से साइड्स को मेजर करना है, ए बी को मेजर करेंगे, बी सी को मेजर करेंगे और ए सी को मेजर करके इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। ए बी को मेजर कर लेते हैं, अपने स्केल से ए बी को मेजर कीजिए 2.7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ रही है 2.7 सेंटीमीटर ए बी। इसी तरह बी सी को मेजर किया आपने, ये भी कितनी लेंथ आ रही है 2.7 सेंटीमीटर। ए सी को मेजर कर लें 2.7 सेंटीमीटर। अब आपने एंगल को मेजर करना है, एंगल ए बी सी, इसके लिए आपको अपने प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने प्रोटेक्टर से आपने मिड पॉइंट को यहां ए पे रखा और मेजर किया, एंगल ए आपके पास 60 डिग्री का आ रहा है, एंगल ए आपके पास 60 डिग्री है। इसी तरह एंगल बी को मेजर करें, मिड पॉइंट को बी पे रखें, आपके पास एंगल बी भी 60 डिग्री का आ रहा है, एंगल बी आपके पास 60 डिग्री का है, इट्स मीन ए और बी 60 का है। आपने 180 में से माइनस किया 120 को, 180 में से 120 माइनस कर दिया, आपके पास थर्ड एंगल भी 60 डिग्री का आ गया, यानी कि एंगल सी भी आपके पास 60 डिग्री का आ गया। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट इट्स एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास टाइप ऑफ एंगल आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इन तीनों के जो एंगल्स थे वो क्या है इक्वल थे। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर एंड रिकॉर्ड द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल,
अब इसी तरह आपने इसके भी साइड्स को मेजर करना है और इसके एंगल्स को मेजर करके अपनी नोट अपनी टेक्स्ट बुक में रिकॉर्ड करना है, इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। नाउ ओपन पेज नंबर 136, यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, मेजर एंड रिकॉर्ड द साइड्स ऑफ अ एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। इसी तरह आपने इन तीनों के साइड्स मेजर करने हैं अपने स्केल से और इस तरह तीनों के एंगल्स को मेजर करके रिकॉर्ड करना है अपने इस टेबल में और इसका टाइप भी लिखना है कि कौन सा एंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मेजर ईच ट्राइंगल साइड्स एंड एंगल्स देन नेम द ट्राइंगल फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब आपको ये एक ट्राइंगल गिविन है, इस ट्राइंगल की साइड्स आपने मेजर करनी है, इसमें एंगल्स मेजर करने हैं और इस तरह का टेबल बना के आपने अपनी कॉपी में इसे नोट करना है। आपने अपने स्केल से इसका साइड को मेजर किया, MO आपके पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। MO को मेजर करेंगे, ये भी आपके पास तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर का आएगा। आपने इसे मेजर किया NO को, 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है ये भी। MN आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। अब आप इसके एंगल को मेजर कर लें, एंगल MON, एंगल M को मेजर करते हैं। D का मिड पॉइंट आप M पे रख के मेजर कीजिए, एंगल M आपके पास आ गया 60 डिग्री, एंगल M आपके पास 60 डिग्री है। इसी तरह एंगल O को मेजर कर लें, एंगल O आपके पास 60 डिग्री का शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 60, 60, 120, 180 में से माइनस कर दें 120 को, आपके पास एंगल N आ गया 60 डिग्री का। इसका मतलब है तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आपने इस तरह से टेबल बना के सॉल्व करना है। इसका पार्ट बी आपका होमवर्क है, पार्ट बी आपने इसी तरह से टेबल बना के अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। नाउ क्लास 5, यू हैव क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 136। ये क्वेश्चन आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। दो एंगल्स आपको गिवन है, इसमें दो एंगल्स का सम करके आपने 180 में से माइनस करना है। ए में आपको 45 डिग्री गिवन है और 90 डिग्री राइट एंगल है 90 डिग्री का, 90 और 45 को आपने ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 135। 180 में से 135 को माइनस किया, आपके पास आ गया 45, तो एंगल एक्स आपके पास कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। इस तरह बी में आपको 84 और 22 गिवन है, 84 और 22 को ऐड किया 106 को आपने 180 में से माइनस किया, आपके पास एंगल पी आ गया 74 डिग्री। इसी तरह सी में 70 डिग्री और 63 डिग्री आपको गिवन है, वाई आपने मेजर करना है, 70 और 63 को ऐड किया 133, 180 में से 133 को माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 47 डिग्री, तो वाई आपके पास आ गया 47 डिग्री। डी में 60 और 30 को ऐड किया 90 डिग्री, 180 में से 90 डिग्री को माइनस कर दिया, आपके पास एंगल टी आ गया 90 डिग्री। ई आपके पास 73 और 70 को ऐड किया आपने, 143 आ गया आंसर, 180 में से 143 को माइनस किया 37, जेड आपके पास आ गया 37 डिग्री। क्लास 5, क्वेश्चन नंबर 4, डी ई एफ आपने बुक में सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, सी डी ई एफ बुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ये आपका एक्सरसाइज 7C का होमवर्क है। नाउ क्लास 5, ओपन पेज नंबर 145, यू हैव एक्सरसाइज नंबर 7D,
कॉपी क्वेश्चन नंबर वन. कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर. कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. इसके लिए आपको अपने प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी और कंपास की जरूरत पड़ेगी. ड्रॉ अ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर. आपने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है अपने रूलर से. इसके बाद प्लेस द पॉइंट ऑफ अ कंपास ऑन ए. अब आपने अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर का ओपन करना है. 4 सेंटीमीटर का ओपन करना है और ये जो आपका पॉइंट है ए बी, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी ए बी 4 सेंटीमीटर, यहां पे अपने कंपास की टिप को यहां इस ए पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस तरह से. इसी तरह बी पे रख के आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. पहले ए पे रख के आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, इसी तरह बी पे रख के आप 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो इंटरसेक्ट करेगा प्रीवियस आर्क को, ए वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा. ज्वाइन ए टू सी. अब आपने ये जो आपका पॉइंट आया है ये सी आया है, अब आपने ए से लेकर सी तक को ज्वाइन कर दिया और इसी तरह आपने बी से सी को ज्वाइन कर दिया. ये आपके पास ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. ये आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं और ये एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. क्वेश्चन नंबर 3. कंस्ट्रक्ट अ स्केलिन ट्राइंगल एल एम एन वेयर एम मेजर एंगल एल एम 5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एम एन 3 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल एल एन 6 सेंटीमीटर. अब आपको इसमें तीनों साइड्स गिवन है, एल एम 5 सेंटीमीटर, एम एन 3 सेंटीमीटर एंड एल एन 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तीनों अनइक्वल है, इसका मतलब है स्केलिन ट्राइंगल आपके पास बनेगा. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ लाइन एल एम 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. आपने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू मेजर 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर का ओपन करके आपने आर्क लगाना है. टेक एल एज द सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क अबव एल एम. एल को सेंटर में लेके आर्क लगाना है. प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू मेजर 6 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर के बाद आप 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. टेक एम एज द सेंटर एंड ड्रॉ एनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एन. ज्वाइन एल टू एन एंड एम टू एन. एल एम एन इज द रिक्वायर्ड स्केलिंग ट्राइंगल. आपने सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. एल एम आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर. अब आपने एम पे रख के अपने कंपास से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. आपने अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया इस तरह से. 3 सेंटीमीटर ओपन करके यहां एम पे रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस तरह. 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाने के बाद एल पे अब आपने रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है. आपने दोबारा कंपास को अब ओपन करना है 6 सेंटीमीटर का. इस तरह से मेजर करके आपने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया. अब एल पे रख के आपने आर्क लगाया. ये पॉइंट आ गया आपके पास एन. एम से एन को ज्वाइन कर दिया और इसी तरह एल से आपने एन को ज्वाइन कर दिया. एल एम एन आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल. एम एन आपके पास 3 सेंटीमीटर, एल एन आपके पास 6 सेंटीमीटर, एल एम 5 सेंटीमीटर. नाउ क्लास 5 कॉपी क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलिस ट्राइंगल वेयर द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर
एंड द बेस एंगल इज 50 डिग्री। आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो एंगल्स और दो साइड्स इक्वल डिग्री इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में आपको लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। हमने एक्स वाई एक लाइन ले ली 6 सेंटीमीटर। मेक एंगल जेड एक्स वाई 50 डिग्री। एंगल एक्स हमारे पास जो बेस एंगल है 50 डिग्री का हमने ड्रॉ कर लिया एट पॉइंट एक्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर के जरिए। थर्ड स्टेप में सिमिलरली मेक जेड वाई एक्स 50 डिग्री एट वाई यूजिंग अ प्रोटेक्टर। वाई पे भी हमने 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया। वाई डी एंड एक्स ई इंटरसेक्ट एट अदर पॉइंट जेड। ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे जो कि जेड कहलाएगा। एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन आपने ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर। एक्स वाई आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपने अपने प्रोटेक्टर से एक्स पे रख के 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एक्स पे रख के मिड पॉइंट को एक्स पे रख के अपने प्रोटेक्टर का 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह अब आपने Y से एक एंगल ड्रॉ किया 50 डिग्री का यहां पे। इसको नाम दे दिया आपने D का, इसको नाम दे दिया आपने E का, और ये जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है ये आ गया आपके पास Z। ये एंगल हो गया आपके पास 50 डिग्री। ये एंगल भी आपके पास हो गया 50 डिग्री का। ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। नाउ क्लास कॉपी क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर मेजर एंगल ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी सी 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए सी 5.5 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। सबसे पहले आपने ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी 4.5 सेंटीमीटर की। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन अ रूलर एंड ओपन इट टू मेजर 5.5 सेंटीमीटर का। अब आपने अपना कंपास 5.5 सेंटीमीटर का ओपन करना है। टेक ए एज द सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी। ए को सेंटर में लेते हुए आपने 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। विद द सेम लेंथ फिक्स द कंपास ऑन बी एंड ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट सी। इसी तरह आपने प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक आर्क लगाना है 5.5 सेंटीमीटर का। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। सबसे पहले आप 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें अपने स्केल से। ये आपके पास आ गया ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब अपने कंपास को आप 5.5 सेंटीमीटर ओपन कीजिए और इस तरह ए पे रख के इसकी टिप को ए पे रख के आर्क लगाइए 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह बी पे रख के 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं। अब ये आपके पास पॉइंट आ गया सी। अब आप ज्वाइन कर दें ए से सी को और बी से सी को। बी सी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। ये आपका ट्राइंगल बन गया। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। ए बी आपके पास आ गया 5.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद आपने ए से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, अपने डी का मिड पॉइंट या प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट ए पे रख के 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री का एंगल। इसी तरह बी पे आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, अब आपके पास ए 60 डिग्री, बी आपके पास है 60 डिग्री, ये आपके पास पॉइंट आ गया डी, ये पॉइंट आ गया ई, और इन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, ये हो गया आपके पास सी। कॉपी क्वेश्चन नंबर 11 इन योर नोटबुक। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जे के एल वेयर मेजर एंगल जे 68 डिग्री, मेजर एंगल के 82 डिग्री, व्हाट इज द मेजर एंगल एल। ड्रॉ लाइन सेगमेंट जे एल 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जे एल 6 सेंटीमीटर की। मेक मेजर एंगल के जे के जे के एल 68 डिग्री एट पॉइंट जे यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, आपके पास आ गया जे एल 6 सेंटीमीटर। अब आपने जे से 68 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जे पे रख के अपने प्रोटेक्टर को 68 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया आपने, आपके पास दो एंगल गिवन है 68 एंड 82, दोनों का सम किया आपने 150 आ गया, 180 में से आपने 150 को माइनस किया तो आपके पास 30 डिग्री एंगल L आपके पास 30 डिग्री का आ गया। अब आपने L से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, अपने प्रोटेक्टर से आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया और ये आपके पास आ गया 82 डिग्री, ये पॉइंट आ गया आपके पास K और ये एक्सटेंड हो गया पॉइंट जो है आपका, इसको नाम दे दें M का और इसको नाम दे दें N का, ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 13, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज वन बेस एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर एंगल इज 40 डिग्री। एक इसका एंगल जो है 90 डिग्री का है और दूसरा एंगल का 40 डिग्री का है। सबसे पहले आपने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे आप। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट ए एंड मेक एंगल ए 90 डिग्री। एंगल ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप। प्लेस द प्रोटेक्टर एट बी एंड मेक एंगल बी 40 डिग्री। बी से 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक्सटेंड ए ई एंड बी डी सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ए बी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने ए से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, आपने ए से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपने बी से 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, डी के मिड पॉइंट को बी पे रख के 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया,
ये पॉइंट आपके पास आ गया ई, ये पॉइंट आपके पास आ गया डी, और ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका आ गया सी, और ये आपके पास आ गया बी जो है 40 डिग्री। ये आपके पास ए बी सी रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ क्लास 5 ओपन पेज नंबर 146। यू हैव क्वाड्रिलेटरल्स। ऑल फोर साइड्स शेप्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्वाड्रेंगल्स। ठीक है, आपके पास ये शेप्स गिविन है, ठीक है, इस शेप में होता है, और ये आपके पास इसमें से देखें दो ट्राइंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। दीज आर सम फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर 1 स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, एरो। ठीक है, ये इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है। नंबर 1 शेप है आपके पास स्क्वायर। साइड्स हैं इसके, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हर एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। रेक्टेंगल, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स इसमें इक्वल होंगी। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। रोम्बस, ये आपके पास शेप है, ये रोम्बस है। ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइड इसकी इक्वल होंगी। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स की इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। काइट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स इसके इक्वल होंगे। ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। इसके तमाम एंगल्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्लास 5, आपने ये टेबल अपनी नोटबुक में बनाना है। ये टेबल इसी तरह जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है पेज नंबर 146 पे, इसी तरह आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। नाउ क्लास 5 ओपन पेज नंबर 152। यू हैव एक्सरसाइज नंबर 7E। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू सॉल्व इट इन योर टेक्स्ट बुक। अ पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड इज अ रोम्बस। बी, अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंड पैरेलल साइड इज अ ट्रेपेजियम। अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। डी, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 नंबर्स ऑफ साइड। ई, इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary. Question number 2, true or false? A, the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. True, a square has 2 right angles. False, C, the angles in a square and rectangle are the same. True, D, the opposite sides of a kite are parallel. False, E, quadrilaterals are four-sided closed figure. True. Question number 3, select the correct answer from the given option. Which one is a correct name for the given figure? ये आपको figure दी हुई है, इसका correct name बताना है. Trapezium. B, which of the following is not a property of a parallelogram? Two pairs of adjacent sides are equal. C, which of the following shape is a quadrilateral? D, the sum of the angles of a quadrilateral is always 360. E, the number of angles in a quadrilateral is 4. Now, question number 4, you have to solve it in your textbook. Name the following quadrilaterals. ये आपको figure दी हुई है, इसके आगे इसका आपने name लिखना है. A वाला trapezium, B, parallelogram, C,
स्क्वायर, डी रेक्टेंगल, ई रोम्बस, एफ काइट. नाउ कॉपी क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द गिवन साइड इन योर नोटबुक. कॉपी पार्ट ए 5 सेंटीमीटर. राइट डाउन पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, डेट एंड कॉपी क्वेश्चन नंबर 5 इन योर नोटबुक. अब आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर. लाइन ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर की. इसी तरह यहां से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें. अब यहां से भी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें. ये आपके पास स्क्वायर बन गया. इसी तरह पार्ट डी 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. अब आपने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. इस तरह यहां से 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करें. यहां से भी 8 सेंटीमीटर. इसका पार्ट सी और डी आपका होमवर्क है. आपने खुद से स्क्वायर ड्रॉ करना है. क्वेश्चन नंबर 6. कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद द गिवन साइड्स. आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपने 7 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. सेवन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की आपने. यहां से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. इसी तरह यहां से 7 सेंटीमीटर की. और ये आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. नाउ पार्ट डी 10.2 सेंटीमीटर. अब आपने 10.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. 10 के बाद 2 लाइंस, 10.2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई आपके पास. ये आपने ड्रॉ की 10.2 सेंटीमीटर. 6.3 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की. 10.2 सेंटीमीटर. इस तरह यहां से भी आपने 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. ये आपके पास आ गई 10.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. ये आपके पास आ गया 10.2 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर. इसका पार्ट बी एंड डी आपका होमवर्क है. क्लास 5 आपका पेज नंबर 146 पे टेबल बना हुआ है, वो होमवर्क है. पेज 153 एक्सरसाइज 7E का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी डी और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी डी होमवर्क है. आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है.